मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डिस्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। ठीक है, आप लोगों का पेपर जो भी हो रहा है डिस्टेंस पर पूरा का पूरा डिस्कशन किया जा रहा है, आप लोग जाकर जरूर मिलाइएगा उन प्रश्नों का जो भी आपका सेट है उसको। आप लोग डिस्टेंस एक काम जरूर कीजिएगा, पीडीएफ बनाकर डीजे सर चैनल पर जरूर सेंड कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा किसी वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं नंबर मैंने दे रखा है। तो डिस्टेंस एक काम जरूर कीजिएगा, जो भी आपका पेपर हो रहा है तो उसका जो सेट है वो पीडीएफ बनाकर डीजे सर चैनल पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को डिस्कस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो 2023 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, और ये प्रश्नों की जो श्रृंखला डिस्कस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं पूरा का पूरा डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है, तभी आप लोग इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लोग का समाजशास्त्र का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए क्या है यहाँ पर, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955, 1956, 1961, 1984। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर दहेज निरोधक अधिनियम जो था वो सन 1961 में पास हुआ था। कब हुआ था, 1961 में ये पारित हुआ था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर नगरी जनसंख्या को पूछ रहा है, तो ग्रामीण जनसंख्या आप जानते हैं कि लगभग 70% जो जनसंख्या हम लोग का क्या है वो कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात तो स्वाभाविक है जो बचेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बच रहा है कि आप लोग का जो 31.80 हो जाएगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31.80% जो जनसंख्या है वो नगरी जनसंख्या होती है। ठीक है ना, एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मैसूर नाथ श्रीनिवास, महेंद्र नाथ श्रीनिवास, महेंद्र नारायण श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास। तो मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है और हर बार का पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था। तो डिस्टन ये उदय हुआ था 1936 में, यानी ऑल इंडिया किसान सभा का जो उदय हुआ था वो 1936 में हुआ था। संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान हुआ था। तो डिस्टन देखिए यहाँ पर ये संविधान का 73वां जो संशोधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 73वां जो संशोधन किया गया था उसी में देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। ठीक है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। समाज क्या है, तो समाज जो होता है डिस्टेंस वो अमूर्त होता है। क्या होता है, अमूर्त। ठीक है, मूर्त चिंतन या अमूर्त चिंतन, तो यहाँ पर अमूर्त चिंतन जो होगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा डिस्टेंस, और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो हुआ था डिस्टेंस वो हुआ था इंग्लैंड में, ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। आठवां नंबर का देखिए प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन में से संबंधित है। देखिए प्रश्नों को घुमा किस प्रकार से पूछ रहा है, जानते हैं कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था किया गया था और वो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से है, ग्राम पंचायत से है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं, जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, निष्क्रमण हो गया, इनमें से सभी। तो इनमें सभी जो होगा डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यानी जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले सभी के सभी कारण हैं, जन्म दर भी प्रभावित करता है, मृत्यु दर भी, निष्क्रमण भी करता है, इनमें से सभी जो होगा वो भी राइट हो जाएगा। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है, डी एन मजुमदार ने, आर के मुखर्जी ने, सोरोकिन ने, एम एन श्रीनिवास ने। तो एम एन श्रीनिवास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी, एम एन श्रीनिवास ने दिया हुआ था। और डिस्टेंस याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों का सीरीज जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है डिस्टेंस, इन सभी प्रश्नों को मैंने करा रखा है, आप डीजे सर चैनल पर जाकर देखिएगा एक बार। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने 60 लेक्चर अपने दे रखे हैं, यदि उन पूरे को देख लेते हैं डिस्टेंस तो आप लोगों का समाजशास्त्र में आप लोगों को बेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेट टू की ओर। ठीक है डिस्टेंस, सेट टू में देखिए कौन कौन से प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। साम्राज्य राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। देखिए डिस्टेंस जो राष्ट्रवाद का जो भावना आई थी वो उपनिवेशवाद के बाद आया था। ठीक है ना, उपनिवेशवाद के बाद आया हुआ था। ठीक है ना, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ था, उपनिवेशवाद। पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों को जनसंचार का कौन सा माध्यम माना जाता है, महत्वपूर्ण माध्यम, मुद्रित माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, अनावश्यक माध्यम। तो डिस्टेंस देखिए महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर उसको देखते हैं। ठीक है डिस्टेंस, यदि याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे, बी एस गुहा, एस सी सरकार, जे एच हट्टन, हर्बर्ट रिजले। तो जे एन हट्टन जो होगा डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सन 1931 में भारतीय जनगणना के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जे एच हट्टन थे। ठीक है,
ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण विकास की जो प्रमुख विशेषता है रिसर्च, वो तो देख के ही पता चला था, कृषि आधारित समाज। जानते हैं आप लोग कि ग्रामीण समुदाय में हमेशा क्या होता है, कृषि की प्रधानता रहेगी, तो कृषि आधारित समाज इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। पारिस्थितिकीय अवक्रमण का कारण क्या है? तो डिस्टेंस में देखिए, वनों का विनाश एवं तथा भूमि कटाव, जल स्रोतों की कमी, खतरनाक उद्योग, देखिए उपयुक्त सभी जो होगा डिस्टेंस वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चार तीनों ऑप्शन मैचिंग करते हैं, तो पारिस्थितिक अवक्रमण का कारण ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण क्या है, कारक क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण और ये सभी, तो ये सभी जो होगा डिस्टेंस ये करेक्ट हो जाएगा। आधुनिकीकरण के लिए जानते हैं मुख्य रूप से जिम्मेदार क्या है, उद्योगों का आना, नगरीकरण नगरों का बसना, पश्चिमीकरण यानी पश्चिमी सभ्यता को भी हम लोग ले रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, उपयुक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। कौन सी नगरी समुदाय की प्रमुख विशेषता है? उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षा, कम जनसंख्या। देखिए उद्योग एवं व्यापार जो होता है डिस्टेंस, ये नगरी समुदाय की प्रमुख विशेषता है। आप लोग जानते हैं कि नगरों में लोग जो जाते हैं उद्योग और व्यापार के ही सिलसिले में लोग जाकर बसते हैं ना शहरों में, तो शहरों में मुख्य रूप से रहने के लिए क्या, किस लिए जाते हैं वो लोग, भाई कि बिजनेस मिलेगा, काम वगैरह मिलेगा, लोग अच्छे बेहतर तरीके से कार्य करेंगे, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए दूसरे सेट का हम लोग का बटन चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 18वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? विकसित कृषि है, विकसित रोजगार है, विकसित व्यापार है, रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। निर्धनता का देखिए प्रमुख कारण क्या है, रोजगार परक शिक्षा का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। नवा देखिए प्रश्न क्या, भारत में जनजातीय आंदोलन का कारण क्या है? सभ्य समाजों में से संपर्क, आर्थिक विशोषण, दोषपूर्ण वन नीति, ये सभी जो गणित इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभ्य समाजों से संपर्क जो हो गया, आर्थिक शोषण हो गया, दोषपूर्ण वन नीति हो गया, तो ये सभी के सभी जो प्रश्न होंगे वो राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा को श्रेय किस लिए जाता है? तो देखिए डिस्टेंस ये पहला ही प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलनों को व्यापक रूप देने का, यानी चिपको आंदोलन जो था उसको व्यापक रूप देने का जो काम था वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही किया हुआ था, ठीक है डिस्टेंस। तो ये 20 प्रश्नों का श्रृंखला आप लोग को डिस्कस किया गया। चलिए अभी आप लोग को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सेट 3 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए इन बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को देखते हैं। राज्य क्या है? राज्य क्या है? एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है, तो ये डिस्टेंस हो जाता है एक समिति हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? शोरुकिन हो गए, माल्थस हो गए, वेबर हो गए, टानिज हो गए, तो डिस्टेंस देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा माल्थस। माल्थस साहब का जनसंख्या का जो सिद्धांत दिए हैं बहुत ज़बरदस्त है, वो मैंने बहुत अच्छे समझाया आप लोग के डिस्टेंस, उसको जरूर देखिएगा, उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। डिजी सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, तो डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजी सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या था? तो डिस्टेंस देखिए यहाँ साक्षरता का प्रतिशत जो था वो 73% था, ठीक है ना। फैमिली किनसीप एंड मैरिज एंड एमंग मुस्लिम इन इंडिया, फिर से ध्यान सुनिए, फैमिली किनसीप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्टेंस के जो लेखक है उनका नाम है इम्तियाज अहमद। क्या नाम है? इम्तियाज अहमद। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी? तो देखिए डिस्टेंस एम एन श्रीनिवास। देखिए एक ऐसे समाजशास्त्री है, इनका नाम बहुत बार आता है समाजशास्त्र में, तो इस नाम को तो बिना समझ लीजिए याद के जाइएगा ही मत, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, एम एन श्रीनिवास जी का नाम। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो डिस्टेंस देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो था वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था और सन 1828 में किया गया था, ठीक है ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो देखिए देखिए ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, कितनी स्तरीय होती है? त्रिस्तरीय होता है, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1960 से 70 के दशक में किया गया था, ठीक है ना। क्योंकि उस समय बहुत बड़ी समस्या आई हुई थी, हम लोग खाद्य की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर, तो 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 68.80%, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था 31%, तो यहाँ पर जो बचेगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ग्रामीण में से या शहरी में से किसी एक को याद रखिए और दोनों समझ लीजिए आपके तैयार रहेगा, दोनों को याद रखेंगे कन्फ्यूज रहेंगे और जो ज़्यादा रहेगा वही आपका बेस्ट रहेगा, मेन माना जाएगा। चलिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग डिस्कस यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट फोर की ओर। देखिए सेट फोर में कौन कौन से आप लोगों के बहुत कई प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए डिस्कस हम लोग यहाँ से चल रहे हैं जो 31वां प्रश्न है ये, ठीक है। टोटल 40 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं इसको और सभी 40 प्रश्नों को देखकर जाइएगा डिस्कस, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो स्त्री का अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर कितना था? तो डिस्टेंस देखिए ये हो जाएगा तो आपका बी ऑप्शन 940 है यहाँ पर दिया गया, वास्तव में अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 943 है, प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के निकट जो है आप लोगों का 940 नज़दीक है, तो यहाँ पर 940 होगा राइट हो जाएगा पहले प्रश्न का विकल्प नंबर बी।
समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो देखिए दुर्खिम जो है वही समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। निम्न में से कौन सा जाति का आधार है? तो इसने कि जन्म से जानते हैं कि जो जाति का आधार मुख्य माना गया है वो जन्ममुख माना गया है, कि जन्म पर ही आधारित क्या होता है जाति को डिसाइड कर दिया जाता है। पावर इलिट किसकी रचना है? पावर इलिट किसकी रचना है? बहुत पॉपुलर सी राइट मिल्स की रचना है। पावर इलिट किसकी रचना है? सी राइट मिल्स का। तो रचनाओं को भी देख कर जाइएगा, कभी कभी पूछ देता है प्रश्न। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। देखिए संस्थापक जो थे अभी बताया गया था आप लोगों को ना, ये जो संस्थापक भी किसके थे बताइए, तुरंत बताइए। राजा राम मोहन राय, तो यानी पांचवें प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। जनजाति है, जनजाति क्या है? आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति है, संपूर्ण समाज है, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, क्योंकि संपूर्ण समाज जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय है होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? दुर्खिम साहब का, कामटे का, मार्क्स का, मैक्स वेबर का। तो इसमें देखिए मैक्स वेबर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन से हैं? सामाजिक भेदभाव, संप्रदायवाद, विकसित संचार व्यवस्था, महिलाओं में जागरूकता। तो संप्रदायवाद देखिए जो एडिशंस वही राष्ट्रीय एकता में सबसे महत्वपूर्ण बाधक बातें हैं, ठीक है ना। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखिए काका कालेलकर जी का नाम जो होता है इसमें सर्वोपरि लिया जाता है, यानी प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था काका कालेलकर। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षा है, बेरोजगारी है, निर्धनता है और इनमें से सभी। डीएस जान रहा है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या है ये सभी के सभी है, इनमें सभी है, बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है और निर्धनता भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प लगा हो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑडियो सेंस एक काम जरूर करना है, पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।